कौन कहता है आपका फोन हैंग नहीं होता? डोंट टच हियर। अच्छा, हेलो दोस्तों, टेक्नोन्यूज में आप लोग का स्वागत है। और जी हाँ, आपने भी कुछ इस तरीके की डेड डेविल स्टंट को ट्राई किया होगा, आपने भी इस तरीके के टेक्स्ट को टच किया होगा और आपका भी व्हाट्सअप मेरी तरह जो वो हैंग हुआ होगा। अब यहाँ पे आप भी हैरान है, मैं भी हैरान हूँ और बहुत सारे लोग हैरान है कि यार इसको टच करने से हमारे व्हाट्सअप क्यों हैंग हो रहे, ये टेक्स्ट इतना छोटा सा है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े ये काम कर रहा है। सिर्फ हैंग ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के व्हाट्सअप को यहाँ पे तो वो ये क्रैश कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा प्रैंक है जो हम सभी लोगों के साथ में किया जा रहा है। ये एकदम से हार्मलेस से बिल्कुल भी आपको हार्मफुल नहीं है। आपको यहां पे ध्यान रखना है कोई डेटा ब्रीच नहीं हो रहा है, कोई हैकर्स नहीं है वगैरह वगैरह, काम कोई नहीं कर रहा है। बस यहां पे ये एक टेक्स्ट है जो एनकोडेड है, जिसको यहां पे किसी ने बना के कुछ कांड करके कन्वर्ट करके आप हम सभी लोगों को यहां पे सेंड कर रहा है और यहां पे कुछ सेकंड के लिए आपके व्हाट्सएप को हैंग करके थोड़ा सा प्रैंक वगैरह कर रहा है। लेकिन यहां पे इसके तह तक तो हमें तो वो जाना ही पड़ेगा और ये क्या है और किसने बनाया और इसके टेक्स्ट की ऐसी क्या खासियत है कि हमारे WhatsApp कुछ ने जो हैंग किया है। यहां पे कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सिर्फ WhatsApp ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पे भी अगर ये टेक्स्ट को शेयर करते हैं तो कुछ लोगों का यहां पे वो चीज भी जो वो जाती कि WhatsApp हो चाहे वो ये हो या चाहे कोई भी चीज हो, वो भी चीजें यहां पे जो वो हैंग हो जा रही है। अब मुझे दूसरी जगहों को नहीं पता लेकिन स्पेशली यहां पे WhatsApp जो वो हैंग हो रहा है। अब यहां पे बताया जा रहा है कि WhatsApp में स्पेशली जो Android अगर Android का प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं और WhatsApp के एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, इस तरीके के टेक्स्ट को आप टच करते हैं तो आपका WhatsApp यहां पे 100% हैंग हो जाएगा। लेकिन अगर iOS में इस तरीके के टेक्स्ट को भेजा जाता है या फिर WhatsApp के डेस्कटॉप वर्जन में भेजा जाता है तो वहां पे कुछ इस तरीके का सीन जो वो देखने को नहीं मिलता है। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो छोटा सा टेक्स्ट है यहां पे इसके टच करने से आप लोगों का व्हाट्सएप और हम सभी का व्हाट्सएप क्यों जो वो हैंग हो रहा है। तो आपको बता दूं कि ये छोटा मोटा टेक्स्ट नहीं है बल्कि इस टेक्स्ट को जो एनकोडेड किया गया है और इसके अंदर यहां पे तह तक गए कन्वर्ट करके पता चल गया कि इसके अंदर 23,643 कैरेक्टर्स है। जी हां, जब इतना लंबा कैरेक्टर्स ऑब्वियसली आपके व्हाट्सएप में शेयर होगा तो आपका व्हाट्सएप तो हैंग होना ही होना है, क्योंकि ये कोई सरप्राइजिंगली बात नहीं है। इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट व्हाट्सएप पे शेयर किए जाते थे जिससे आपका व्हाट्सएप जो वो हैंग होता था। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ज्यादा स्पेस मार देते हैं वगैरह वगैरह करके इस तरीके की चीजें जो वो होती है। अब ये किसने बनाया, कौन बनाया, कहां से आया, इतनी डिटेल में और इतनी खुफिया होने की हमें जरूरत नहीं है। हम सभी लोगों को पता है कि जहां से भी आया व्हाट्सएप की हैबिट है, एक जगह से आया फिर दूसरी जगह कहां कहां जाता है हमें खुद को भी नहीं पता। ऐसे टेक्स्ट को कहां का सर्कुलेट हो रहे ले, बाहर भी चला जाता होगा हमें क्या पता वहां पे भी घूम रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके की सीन यहां पे व्हाट्सएप पे होती है। तो फिर भी मैं आपको बस क्लियर करने के लिए वीडियो बनाता कि ये छोटा सा प्रैंक है, इसको डरने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा ब्रीच वगैरह वगैरह नहीं होता है। बस स्टोरेज रैम पे टच करने के लिए हैंग हो जाता है। हो सकता है व्हाट्सएप इस तरीके के टेक्स्ट से आने वाले समय के अंदर ऐसा कुछ करे ताकि ऐसे टेक्स्ट आने के बाद भी आपका व्हाट्सएप जो वो हैंग ना हो। और हाँ, एक और चीज आपको बता रहे थे कि मेरा जो वीडियो है ना, इसको जो डिसलाइक बटन है ना, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो शायद से आपका जो यूट्यूब है ना वो कुछ सेकंड के लिए हैंग हो सकता है, पता नहीं, लेकिन ट्राई मत करना है, मैं मजाक कर रहा था। आप जाके लाइक बटन नहीं दबा तो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल एन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और किसी को भेजना नहीं वरना